ASI NET क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSI NET प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। बायोमोलिक्यूल की बात करेंगे, कितने इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होते हैं। पहला अमीनो एसिड, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अमीनो एसिड की बात करते हैं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तीसरा जो होता है जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ज्यादातर जो होता है अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं पुट अप किए जाते हैं। अमीनो एसिड की बात करते हैं तो अमीनो एसिड जो होता है वो अलग अलग रोल प्ले करता है। जैसे अमीनो एसिड की बात करेंगे, अमीनो एसिड नाउ अमीनो, ठीक है। अमीनो मतलब अमोनिया ग्रुप होता है और एसिड दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, इसको इन दोनों को कंबाइन करके कंपाउंड बनाया जाता है जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में एक आपका एच होता है, एक साइड चेन होता है और एक आपका अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन दोनों के फॉर्म में ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है अमीनो ग्रुप है जिसको बोला जाता है, ये अमीनो ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड, इसके बेसिस पे बोला जाता है कि ये आर होता है कि दैट इज व्हाट, ये अल्फा एल, ये आपका क्या होता है एल आइसोमर है या डी आइसोमर है, उसके बेसिस पे बोला जाता है। नाउ इसी अमीनो एसिड, ये जो अमीनो ग्रुप है वो अमीनो ग्रुप किस पर्टिकुलर कार्बन से लिंक्ड है, ये अमीनो ग्रुप किस पर्टिकुलर कार्बन से लिंक है। अगर अल्फा कार्बन से है तो इसको बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। अगर ये बीटा कार्बन से लिंक है, जैसे ये देखिएगा पहला कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन, उससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, फिर बीटा, फिर गामा, समथिंग लाइक दैट, तो इसको बोलेंगे बीटा अमीनो एसिड। नाउ नेचर की बात करते हैं, मोर देन थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पाए जाते हैं आपके, ठीक है, इस अमीनो एसिड के फॉर्म में बात करते हैं। नाउ ओनली एल टाइप अमीनो एसिड जो होता है वो जनरली अकर होता है, ओनली एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो होता है वो अकर होता है कहां पे, प्रोटीन्स में। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसिस आप पढ़ेंगे ना, जब प्रोटीन सिंथेसिस आप पढ़ेंगे तो उसमें एक पार्ट आता है जब कि EPA, इस पार्ट में जो पेप्टाइड ट्रांसपेप्टिडेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें जो EPA की बात करते हैं, कई सारे लोग जो होते हैं ये कंफ्यूज करते हैं कि कहां पे होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके मन में कि कैसा क्यों होता है कि सिर्फ एल टाइप क्यों इनकॉर्पोरेट होते हैं। मैंने आपको बताया क्या कि अगर कोई अमीनो एसिड है, इफ देयर इज अमीनो एसिड, इसमें अमीनो ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, इफ अगर ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं एल आइसोमर, अगर ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है एल आइसोमर, और अगर ये राइट साइड प्रेजेंट है, अगर ये राइट साइड प्रेजेंट है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डी आइसोमर। तो डी और एल आइसोमर में क्यों ये प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा, उसका रीजन है जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं इसमें ईपीए, ईपीए साइड पे, अगर ये लेफ्ट आप खुद देख लीजिएगा ईपीए, अगर यहां पे जो होता है एक नया अमीनो एसिड, यहां पे टीआरएनए और अमीनो एसिड होता है, यहां पे भी अमीनो एसिड होता है, इन दोनों को पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करना होता है। अगर ये वाला अमीनो एसिड इसके पास COO ना हो और इसके पास अमोन ये NH3L वाला ना हो तो क्या ये बाइंड कर पाएगा, क्या ये बाइंड कर पाएगा, नहीं बाइंड कर पाएगा। सो एग्जैक्टली ये एल अमीनो एसिड इसीलिए होता है क्योंकि अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड हो ताकि यहां से ट्रांसपेप्टिडेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके। इज इट क्लियर गाइस, दीज आर द थिंग्स। अब आगे मूव करते हैं कुछ और पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए, दैट इज व्हाट ओनली जो अमीनो एसिड जो पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं, उसके साथ पॉजिटिव चार्ज भी बियर कर सकते हैं, नेगेटिव भी बियर कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे की नो नेट चार्ज होता है, पीके वैल्यू विद द एनवायरमेंट वैरी करता है कि कैसा एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पीके ए वैल्यू जो होता है वो वैरी करता है। किसी भी अमीनो एसिड के पीके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी अमीनो एसिड के लिए पीके वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, आप देखिएगा कोई भी अमीनो एसिड होता है CH, ये होता है COOH, ये NH3+, ठीक है, और इसके साथ होता है R, R ग्रुप अगर डोनेट करता है तो इस पर्टिकुलर पीके को बोला जाता है PKR, अगर ये डोनेट करता है तो इसको बोलते हैं PK1, इसको अगर ये डोनेट करता है अपना तो इसको बोलते हैं PK2। That is what, ये टाइट्रेशन का पार्ट होता है पूरे के पूरे अमीनो एसिड में, जब ये टाइट्रेशन इस तरीके से होता है। पहला ये क्या है, ये है एसिड, ये क्या है, ये है बेस, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। अगर मैं यहाँ पे बात करूं
सो एसिड और बेस पीके वन पीके टू पीके आर कई लोग अलग अलग तरीके से कंफ्यूज होते हैं। कभी भी पीआई कैलकुलेट करना हो, टाइट्रेशन कैलकुलेट करना हो, तो दो तरीके से होते हैं। एक होता है डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक अमीनो एसिड जिसमें सिर्फ दो चार्ज पाए जाते हैं, जैसे जैसे कि मैं बात करता हूं ग्लाइसिन, जैसे एलनिन, जैसे वैलिन, जैसे आइसोल्यूसिन, जैसे ल्यूसिन, ये सारे डाइप्रोटिक होते हैं। इनमें सिर्फ दो प्रोटिक आयंस होते हैं, जैसे कि NH3 प्लस और COO माइनस, अल्फा अल्फा वाले। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पीके वन और पीके टू वैल्यू होती है, तो उसका एवरेज ले लीजिए। क्या करिए उसका, उसका एवरेज ले लीजिए सीधा सीधा। एक होता है ट्राइप्रोटिक, क्या होता है एक एक बोलते हैं ट्राइप्रोटिक। ट्राइप्रोटिक की जब बात करूंगा मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइप्रोटिक की जब बात करेंगे दैट विल बी लाइक कि आपके कुछ इस तरीके के फॉर्म्स होते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं, जैसे कि एस्पार्टेट, जैसे कि ग्लूटामेट, जैसे कि आर्जिनिन, जैसे कि हिस्टिडीन, जैसे कि लाइसिन। वैसे तो हिस्टिडीन बेसिक अमीनो एसिड होता है, लेकिन इसका पीआई जो होता है वो नियर 6.8 होता है ड्यू टू द इट्स साइक्लिक रिंग। इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है साइड ग्रुप में, उसकी वजह से ये जो डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है वो नियर अबाउट पीआई के आसपास आ जाता है। इसके अलावा बेसिक के साथ साथ दो और होते हैं, सिस्टीन एंड टायरोसिन। क्यों? क्योंकि इसके पास SS ग्रुप होता है और इसके पास OH ग्रुप होता है, टायरोसिन फिनॉल ग्रुप होता है, तो ये डोनेट करने की कैपेबिलिटी को कहते हैं कि बियर करते हैं। सो इस पर्टिकुलर पार्ट में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे पीआई को, सो यू हैव टू चेक द पीके वैल्यूज। ठीक है, आपको क्या करना है, पीके वैल्यूज को चेक करना है। कितने पीके वैल्यूज को, टू पीके वैल्यूज को चेक करना है। इफ इट इज लेस देन 7, अगर दोनों लेस देन 7 है तो देन टेक इट एवरेज, या अगर दोनों ग्रेटर देन 7 है, दो ग्रेटर देन 7 को चेक करो, दो लेस देन 7 वालों को एवरेज कर लो, अगर दो है तो, अगर ग्रेटर देन 7 दो है तो उनका एवरेज ले लो। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। इस तरीके से टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। इज इट क्लियर गाइस? चलिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जाम्पल सेट की बात करूं यहां पे, That is what, for example, अगर मैं बात करूंगा, for example, यहाँ पे बात करेंगे आप, तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे कि जिसका पीके वन है, पीके वन है 3.0, पीके टू है इसका 5.0 एंड पीके आर है दैट इज 8.0, वॉट विल बी द पीआई, इसका पीआई कितना होना चाहिए, इसका पीआई कितना होगा। देखिए दो वैल्यू क्या है यहाँ पे, दो वैल्यू अगर आप देखोगे तो दो वैल्यूज जो है वो लेस देन 7 है, तो इनका एवरेज ले लो, 3 प्लस 5 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज द 4, ये आ जाएगा पीआई। सीधा सीधा, नो एनी इंटरप्रिटेशन, सीधे आप क्या करेंगे, जो दो वैल्यूज होंगी लेस देन 7 उनका एवरेज ले लीजिए, अगर कोई ग्रेटर देन होता तो आप ग्रेटर देन भी ले सकते थे। नाउ कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में क्या है यहाँ पे, कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज उसको या तो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, इसको कि एल आइसोमर बोलते हैं, या इसको बोला जाता है लीवो रोटेटरी। क्या बोला जाता है, लीवो रोटेटरी, कैपिटल डी आइसोमर, कैपिटल एल एंड स्मॉल एल सब डिफरेंट होते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, कैपिटल डी, कैपिटल एल एंड स्मॉल एल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके डिफरेंट होते हैं, कैपिटल डी, कैपिटल एल जो कि अमीनो ग्रुप के पोजिशन पे होते हैं, और ये लाइट के रोटेशन पे होते हैं। क्या होते हैं, ये लाइट के रोटेशन पे आपके उस पे डिपेंड होता है, कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो लीवो रोटेटरी एल आइसोमर, अगर क्लॉकवाइज हो रहा है, इफ इट इज क्लॉकवाइज देन इट इज डी आइसोमर, या इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किस फॉर्म में रोटेट करता है, वहां पे आता है। ऑप्टिकल वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, ये क्या है, एंगल ऑफ वैल्यू ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट किया है, कि ये जो एंगल है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, ये रोटेट होने के बाद जस्ट सपोज इस तरीके से हो गया, तो ये एक्चुअली कितना एंगल रोटेट किया है, वो एंगल ऑफ रोटेशन, और डिवाइडेड बाय एल इनटू सी, इसका पाथ लेंथ कितना है और कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज द सी। तो ये आपका यूज होता है इस पर्टिकुलर पार्ट में। नाउ दिस इज व्हाट द ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी, इस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की जाती है, कि कैसे वो डी फॉर्म में, एल फॉर्म में रोटेट करता रहता है। इसके बाद
आपके जो इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अमीनो एसिड। एब्जॉर्प्शन के बारे में कई बार आता है कि अमीनो एसिड एब्जॉर्प्शन शो करता है, वो क्यों करता है एब्जॉर्प्शन, दैट इज व्हाट द पाई लोकलाइजेशन किसके लिए करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं सो दैट इज पाई लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, क्या होना चाहिए पाई लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन होना चाहिए जो जिसमें कि डबल बॉन्ड, पाई मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, पाई का मतलब सीधा सा मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक अमीनो एसिड में पाए जाते हैं जो कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलनिन, तीन अमीनो एसिड जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। सो इन सबके पास डबल बॉन्ड होता है और सबसे ज्यादा जो हैवी होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा हैवी ट्रिप्टोफैन होता है और उसका एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सो ट्रिप्टोफैन जो होता है 280 नैनोमीटर पे अब्सॉर्ब करता है, टायरोसिन 275, यू कैन सी दैट इज अगर एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ की बात करें, एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ की बात करें तो ये नियर अबाउट 275 आएगा, ये इसका 280 आएगा और फिनाइल एलेनिन का समथिंग लाइक दैट, दैट इज द 254 आएगा, दिस इज व्हाट द फिनाइल एलेनिन, ये आपका इस तरीके से पार्ट आएगा। सो एब्जॉर्प्शन बाय द अमीनो एसिड यहाँ पे मूव इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ इसके बाद मैं बात करता हूं दैट इज एब्जॉर्प्शन के बाद एक जो पार्ट आता है दैट इज सिंगल लेटर कोड। सिंगल लेटर कोड कई लोगों को बायोकेमिस्ट्री में बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन सिंगल लेटर कोड आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबका याद करने की जरूरत नहीं है फॉर मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड, ठीक है गाइस, फॉर मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड, फॉर मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड, फॉर मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड जो फर्स्ट लेटर होता है, फॉर मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड फर्स्ट लेटर एक्ट एज अ सिंगल लेटर कोड, फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर एक्ट एज अ सिंगल लेटर कोड। कई बार पूछा गया गेट के एग्जाम में कि इस अमीनो एसिड का सिंगल लेटर कोड क्या होगा, ठीक है, वही नहीं कर पाते बच्चे, गेट के एग्जाम में ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चन उठा के पूछ दिए जाते हैं जो कि आप नहीं कर पाते हो। सो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि क्या सिंगल लेटर कोड होगा। सो मैं जिन अमीनो एसिड को फोकस कर रहा हूं बस उनको याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे फिनाइल एलेलिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन जिसको कि एक एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, इसका जो कोड होता है सिंगल लेटर कोड, आप इसको क्या कर सकते हो, दैट इज व्हाट ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलेलिन, ये है क्या, देखिएगा डब्ल्यू वाई एफ कोड क्या है, वाइफ के तरीके से याद कर सकते हैं। ट्रिप्टोफैन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी सबसे ज्यादा होता है, फिर टायरोसिन है उससे कम मॉलिक्यूलर वेट और इससे उससे कम वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन 275, और फिनाइल एलेनिन 254 पे एब्जॉर्प्शन होता है इसका 254, ठीक है, आप लोग देखो इसका 254 पे होता है, ये 280 पे होता है और ये 274 पे होता है, दैट इज व्हाट वाइफ के तरीके से सिंगल लेटर कोड यहां पे याद रख सकते हो। उसके बाद जो आता है कुछ पार्ट आते हैं दैट इज द डीएनई एस्पार्टेट ग्लूटामेट, ठीक है, एस्पार्टेट की बात करते हैं तो एस्पार्टेट का होता है डी और उससे जस्ट आगे होता है ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट का होता है ई, ठीक है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट डी और ई रखा जाता है, ठीक है, एस्पेराजिन और ग्लूटामीन एन और क्यू रखा जाता है, क्या रखा जाता है एन और क्यू, एस्पेराजिन एन की बात आता है ये इसमें होता है और ग्लूटामिन भी जो होता है वो क्यू होता है, दैट इज व्हाट ये सिंगल लेटर कोड होता है, और आर्जिनिन का आर, हिस्टिडिन का एस होता है, ये लाइसिन का के होता है, आर्जिनिन के आर से निकलता है तो आर्जिनिन हो गया और लाइसिन जो होता है वो के होता है, कुछ यही सिंगल लेटर कोड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, एक वाइफ और एक एन क्यू डी ई, ठीक है, एक एन क्यू और डीई यही आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट, ये अगर याद है तो इतना आपका काम कर जाएगा, बाकी के फर्स्ट लेटर ही उसके सिंगल लेटर कोड होते हैं और उनका पूछेगा भी नहीं, पूछेगा तो इन्हीं में से मोस्टली पूछता है कि इनका सिंगल लेटर कोड क्या होगा, आपको एरोमेटिक में से पूछ देगा और पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अब यहां पे आइसोल्यूसिन को मैंने क्यों स्टार मार किया, इसके पीछे एक रीजन है, क्यों, क्योंकि आइसोल्यूसिन के पास टू काइरल सेंटर होते हैं, क्या होते हैं इसके पास टू काइरल सेंटर, इसके पास जो बात करते हैं दैट इज व्हाट द टू काइरल सेंटर यहां पे पाया जाता है। इज इट क्लियर गाइस,
सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं विनय सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड विरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।